वैष्णो देवी के साथ मां के दरबार जाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वालों का सफर अब पहले से भी आसान हो जाएगा। यहां हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मोदी सरकार ने भक्तों की सुविधा के लिए कटरा तक की सुविधा शुरू की है। अब भारतीय रेलवे ने चेन्नई और दिल्ली से कटरा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेलवे ने चेन्नई से चलने वाली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा चेन्नई एक्सप्रेस और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम सुपरफास्ट को फिर से शुरू किया है। माता वैष्णो देवी के साथ मां के दरबार जाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए ट्रेनों की बहाली से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से आने वाले भक्तों को फायदा होगा। नॉर्थ रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 22655, 22656 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 16031, 16032 चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा चेन्नई सेंट्रल की सुविधा बहाल कर दी गई है। गाड़ी संख्या 16031 हफ्ते में 3 दिन चलेगी। यह 3 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगी, जबकि डाउन में गाड़ी संख्या 16032 5 जुलाई 2022 से शुरू होगी। वही गाड़ी संख्या 22655 6 जुलाई से और गाड़ी संख्या 22656 8 जुलाई 2022 से शुरू होगी। चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा हफ्ते में 2 बार अप और 2 बार डाउन संचालित होगी।